साहिबगंज जिले में रिलायंस जियो कर्मचारियों के द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे रिलायंस जियो के मैनेजर राजेश कुमार ने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत रेलवे स्टेशन परिसर में साफ सफाई की गई, जहां जितने भी कूड़े दिखे सभी को एक जगह एकत्रित कर साफ किया गया, जिससे रेलवे स्टेशन परिसर काफी साफ सुथरा दिखने लगा। वहीं आगे कहा कि लोगों में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने को लेकर जागरूकता फैलाई गई, क्योंकि जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान चल रहा है उसको और बेहतर और अपने आदत को बदलने की जरूरत है, क्योंकि स्वच्छ समाज का निर्माण बेहतर स्वच्छता से ही संभव हो सकता है। इस अवसर पर दर्जनों जियो कर्मचारी उपस्थित थे, जिन्होंने प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की लोगों से अपील की। न्यूज लेंस के लिए साहिबगंज से शुभेंदु पंडित की रिपोर्ट। आज रिलायंस जियो के तरफ से स्वच्छता अभियान में हम लोग शामिल हुए थे, जिसमें यहाँ साहिबगंज के जितने भी रिलायंस जियो के कर्मचारी हैं वो सारे लोग जो स्टेशन पे साहिबगंज स्टेशन पे जो भी कचरा था, मैंने प्लास्टिक, उसको हम लोगों ने साफ किया है, हटाया है, और हटाने के बाद जो है स्टेशन काफ़ी सुंदर और अच्छा दिखने लगा है। और इस सफाई और स्वच्छता अभियान के तहत हम लोगों में ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि वो जहाँ भी रहे स्वच्छता को अपनाएं और अपने आसपास के जगह पे कचरा नहीं फैलने दें, वहाँ सफाई रखें, क्योंकि स्वच्छ समाज से ही व्यक्ति जो है स्वस्थ रहता है। और अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ये ज़रूरी है कि आप स्वच्छ रहें। तो देश की राजधानी और झारखंड की राजधानी के बाद CYS अब आपके शहर रामगढ़ में। रामगढ़ के स्टूडेंट्स को भी अब मिल पाएगा देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के फैकल्टी से शिक्षा। यहाँ के छात्र छात्राएं अब IPS IAS बनने के सपने को कर पाएंगे साकार। हमारे फैकल्टी कुमार सर, जिनकी खुद की कोचिंग कुमार IAS दिल्ली, आगरा, मथुरा, झांसी में है, वो अब CYS के स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देंगे। बाजीराम एंड रवि के बेस्ट फैकल्टी अवध ओझा सर भी करेंगे अब CYS के स्टूडेंट्स को ट्रेन। कुमार IAS, बाजीराम एंड रवि, श्रीराम IAS, चाणक्य IAS, पतंजलि IAS, आस्था IAS, वर्तकूर IAS, एम्पायर IAS, द सिविल के बेस्ट फैकल्टी को ज्वाइन करने के लिए आज ही ज्वाइन करें CYS। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। न्यूज लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है